नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों की तरफ। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी, कोहरे की वजह से 10 से ज्यादा ट्रेनें हुई लेट। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुआ बॉम्ब ब्लास्ट, पीएम नेतन्याहू बोले भारत पर है भरोसा। विराट कोहली की बैटिंग को लेकर इंग्लैंड के कोच का चकराया दिमाग, अपने गेंदबाजों के बीच ढूंढ रहे हैं इलाज। एंजियोप्लास्टी के बाद सौरव गांगुली की हालत में आया सुधार, प्राइवेट वार्ड में किया गया शिफ्ट। बीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह हुआ संपन्न, 1971 के युद्ध में भारत की जीत पर बजाई गई विशेष धुन। आज लॉन्च होगी टाटा टियागो, लिमिटेड एडिशन मॉडल में किए गए कुछ खास बदलाव। हरियाणा में अब छठी और आठवीं क्लास के लिए भी खुल रहे हैं स्कूल, सरकार ने दी इजाजत। खत्म होते होते रह गया किसानों का गाजीपुर बॉर्डर का धरना, टिकैत का रोना बना टर्निंग पॉइंट। बापू की 73वीं पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति कोविंद ने भी किया नमन। मुरादाबाद में हुआ भीषण हादसा, ट्रेन और बस की टक्कर में 6 की हुई मौत और 25 से ज्यादा लोग हुए घायल। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए हिंद भारत, जहां नहीं रुकता खबरों का सिलसिला। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं,